Former Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat's car on late Tuesday has collided with a divider while he was travelling from Haldwani to Kashipur. He took to social media to confirm that he was doing well and there was nothing to be worried about. Praveen Kumar is joining us for more details on this story. Praveen, what is Harish Rawat's latest health update? देखिए हरीश रावत की तबीयत पूरी तरह से ठीक है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय उनको गर्दन में चोट आई थी। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वो चोट जो उभर के सामने आया है, हालांकि डॉक्टर जो है उसको देख रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। सिर्फ झटका लगने की वजह से भी ये चोट एक बार फिर से उभरने की खबर आ रही है। डिवाइडर से टकराने की, क्योंकि गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा बताई जा रही थी और उसके बाद ये डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई और उसके बाद ये घटना हुई। वो तुरंत काशीपुर के पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, वहां पर चेकअप हुआ और उनको छुट्टी दे दी गई। तो अब बड़ी एक दुर्घटना होते होते एक आप कह सकते हैं कि जो एक ये टल गया है। जी प्रवीण, घटना घटी कैसी थी, एक्सीडेंट हुआ क्या, क्या जानकारी दे सकते हैं आप? द्वानी से काशीपुर जा रहे थे हरीश रावत और उसी वक्त गाड़ी के ड्राइवर से चूक हुई और डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई। बताया जा रहा है कि स्पीड ज्यादा होने की वजह से कंट्रोल गाड़ी पर जो है वो नहीं कर पाए जो ड्राइवर थे, उसकी वजह से टक्कर हुई और उसकी वजह से झटका लगने की वजह से जो है थोड़ी चोट आई गर्दन में, मोच आई है और ये पुरानी चोट है हरीश रावत की। उसके बाद जो गाड़ी का अगला जो भाग है, हिस्सा है, उसमें भी टूट फूट हुई और तुरंत तो वहां पर जो जैसे ही सूचना मिली काशीपुर पुलिस को तो वहां पर अस्पताल में लाया गया और उनको वहां पर जो प्राइमरी हेल्थ चेकअप के बाद उनको छुट्टी दे दी गई। और आप कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना होते होते बच गई और जो है अभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कोई गंभीर मामला नहीं उभर के सामने आया एक्सीडेंट को लेकर। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन।